आदेश समारोह में व्यापार मंडल अध्यक्ष मंगत अग्रवाल, पुलिस थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा सरपंच संदीप ढिल्लो, 3 SDR भी हुए शामिल। उपखंड अधिकारी राम अवतार कुमावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि घरसाना वासियों ने मुझे जो प्यार लौटाया है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते मेरे साथ मेरे स्टाफ टीम और विशेष रूप से मीडिया ने सहयोग दिया, जिससे घरसाना क्षेत्र में एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं आया। उन्होंने कहा कि उपखंड क्षेत्र घरसाना सीमा से एक भी बाहरी व्यक्ति को घुसपैठ नहीं करने दे पाए, जबकि अन्य जिलों से किसी भी प्रशासनिक अमले ने उन्हें नहीं रोका, लेकिन घरसाना सीमा पर बाहरी व्यक्तियों को वापस जाना पड़ा। ये सब आपके प्यार से ही संभव हुआ है, जिसकी बदौलत घरसाना की जनता अभी भी सुरक्षित है। कुमावत ने बताया कि मीडिया का रास्ता बड़ा कठिन है, समाज को हमेशा इनका सहयोग करना चाहिए। उपखंड अधिकारी राम अवतार कोरोना वॉरियर्स को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए क्षेत्रवासियों ने 27 बार अलग अलग स्थानों पर सम्मानित किया। समस्त सुनील जी सोनी साहब, समस्त मेरे साथी और उनके लिए जैसा आपको पता ही है कि समय के अभाव के कारण इनकी का नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूँ, आप लोग मेरे दिल में हो या आपको भी पता है और बाकी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, जैसा बजरंग जी कह रहे थे कि साहब पहली बार ऐसा हुआ, मुझे इस बात का फख्र है कि मेरी घरसाना की टीम, जिससे सभी समाजों के मुखिया भी यहाँ विराजमान है, भले मोहन जी हो, बच्चन जी हो, बच्चन जी का नाम छूट गया था, कितना पंचायती राज में ऐसे अधिकारी आज हमें छोड़ के जा रहे हैं। निश्चित रूप से जिन कलम के पुत्रों ने अपने बड़े बड़े हेडलाइन में लिखा था कि घटना को झटका लगाया, घटना मायूस हुआ है, तो उन शब्दों में कहीं ना कहीं झूठापन भी था या कोई किसी प्रकार से एक वाहवाही भी थी, वो यथार्थ था। एक ऐसा शख्स जिसने बहुत ही शानदार तरीके से SDM बहुत आए हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन इन्होंने घटना को एक अपने बच्चे की तरह, जैसे हम बच्चे को संभालते हैं, कोरोना से बचाव करते हैं, उस प्रकार से इन्होंने रात भी नहीं करके हमें सुरक्षित रखा है। इनकी वजह से आप और हम सुरक्षित हैं। ये तो जहाँ पर कोरोना बड़ी संख्या में फैला है वहाँ पर क्या हालात जानते हैं देखते हैं। तो मैं ग्राम पंचायत का मुखिया होने के नाते आज के इस कार्यक्रम के लिए तमाम पत्रकारों को बधाई देता हूँ और पत्रकारों के लिए कहना चाहूँगा कि लश्कर भी तुम्हारा